श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारनौ रघुबर विमल अस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुं मोई हरं कलेश विकार सियारं पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसों सुरभू सियावल राम चंद्र जी की जय सरनम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय उमापति महादेव की जय बालाजी महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर होडल पर पंडित राजचंद्र जी के द्वारा भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति की कामना हेतु श्री रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आप हमारे ऐसे ही आयोजनों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करें व अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। जिस स्थान पर कल पानी को ब्रह्म दिया था बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सैन की नृप आयुष्मानी आसन जाई बैठे छल ज्ञानी श्रमित भूप निंद्रा अत्याई सौ किम सो विसोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर ते आवा जही सूकर होई नृपही बोलावा परम मित्र तापस नृपकेरा जानी सो अति कपट घनेरा। उसी समय महाकाल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सत्य सत्य और दस भाई खल अति अजय देव दुखदाई प्रथम भूप समर सब मारे बे प्रशांत सुर दे की दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट किस्म के जीत जाने वाले थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तय खल पाचिल बैर समारा तापस नृप मिली मंत्र विचार जही रूप छई सोई रे चौ जापौ भावि वस ने जान कचुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो सके
वही उपाय रचा। भाभी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु कर गनही नेताऊ, अजहु देते दुख रवि सही सिर अवशिषे तेराऊ। तेजस भी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचाता वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को कष्ट पहुंचा देता है। तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्ष मिलहु उठ भयउ सोकारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई तथा राक्षस आनंदित होकर बोला, अविषादं रिप सुनऊ नरेशा, जो तुम्हें की नहीं मोरे उपदेशा। पर हरी सोच रहूं तुम्हें सोई, बिन औसत व्याधि विद खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग दो। विधाता ने बनाई दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समय तेरी पमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निरपही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मामाई और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रतापई बाज समेता, पहुंचा इस क्षण माज निकेता। निरपई नार पही सेन कराई, हे ग्रह वादेश बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़ा सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साला में बांध कर राजा के अप्रवतई हर ले गए हूं बहोरी। लहरा के शीघ्र कोए महु माया, करी मत भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से इसको बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपनी पहाड़ी की खो में ला रखा। आप ब्रेच उपरोहित रूपा, परहु जाई तही सेज अनूपा। जाग्यो निरप अनवहि बियाना, देख भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे हुआ होने से पहले ही जागा और अपने घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनमानी, उठऊ गवई जई जाने निरानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारिन जानऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा
जिसमें रानी ने जाग जावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने यह नहीं जाना। गए जाम जुग भूपत आवा, घर घर उत्सव बाज बदावा। अप्रोत ही देख जब राजा, चकित बिलक बिलोक सुमर सोई काजा। दो पैर बीत जाने पर राजा आया, घर घर पर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहितों को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण उसे आश्चर्य देखने लगा। जोग सम निरपही गए दिन तीनी, कपटी मुन पद रह मतुलीनी। समय जान अपुरोहित आया, निरपही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मौनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के महल की हुकी हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निरपहर सं पहचानी, गुरु भ्रम बसरान चेत। बरे तुरत सत सहस बर बेप्र कुटाम समय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ और प्रेम बस भ्रम बस उसे चेतने रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जे विनार बनाई, छरस चार विद जस श्रुति साई। माया में तई की नहीं रसोई, बिंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने माया मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिशिरादा, तई मऊ बे प्रमा सुखलो माजा। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पकार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ब्राह्मण को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर के साथ बैठाया। परोसन जब ही लाग मही पाला, वे आकाशवाणी तही काला। विप्रवृंद उठ उठ गृह जाऊं, हे बड़ हानि अन्न जन खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतु आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयों रसोई भूसर मासू, सब दिज उठे मान विश्वासु। भूप बिकल मत मोहे बोलानी, भाव वसने आवे मुखवानी। रसोई ब्राह्मणों को मांस बना है,
आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सको पितव नहीं कछु की नहीं विचार, जाय निसाचर हो निरप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जावेगा। छत्रबंधु ते बेप्र बोलाई, गाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर रा का धर्म हमारा, जय हिस ते समेत परिवार। रे निक्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित राख नष्ट होगा। सम्मत मध्य नास तब हो, जलदाता ने रही लिकुल को। नृप सुने श्राप विकल अति त्रासा, बेबहोरी वर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जावेगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाले तक नहीं रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहूं श्राप विचार ने दीना, नहीं अपराधी भूप कछु कीना। चकित विप्र तब सुन नववाणी, भूप रब गयों जै भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तैने असन नहीं विप्र सुवारा, फिरऊ राऊ मन सोच अपार। सब प्रसंग महेश्वर ने सुनाई, तरसित परऊ अवनी अकुलाई। देख लो, वहां ने भोजन था ने रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा ने मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपत भाव मिटई नहीं यद्यपि ने दूसन तो, किए अन्यता हुई नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब मही देव सिदाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचई दूसन देव ही देई, बरचत हंस काग किए जय। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वह चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कुआ कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजाओं को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरो ही तही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तई खल जे तें पत्र पठाए,
सज सज सहन भूप सब धाय। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर काल के तूने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे जिसमें सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़े दौड़े। फिर नहीं नगर निसाई निशान बजाई विविध भात नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुवट कर करनी बंधु समेत पर हूं निरप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रीति अनेक प्रकार से लड़ाई लड़ी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूर वीरों को करनी करने के रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तू कुल कोई नहीं बाचा बेप्रश्राप किम होई असाचा। रिप जित सब नृप नगर बसाई निज पुर गवनी जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरत ध्वज सुन जाई जब हुई विधाता बाम। धूर मरु सम जनक जमताई ब्याल समिदाम। याग्वल लज्जी भी कहते हैं हे भरद्वाजी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुशल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कथा को यहीं पर प्रणाम देंगे और हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अपने कथा भागवत कथा राम कथा हनुमान कथा हेतु आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर 90 34 64 44 37 पर संपर्क कर सकते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोली उमापति महादेव की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सियावल रामचंद्र जी की जय। सरनम शंकर हरि ओम जय जय सिया।